Welcome back to the channel and another Singapore trip story. Singapore tourist pass का यूज करते हुए हम लोग गए चांगी एयरपोर्ट से Raffles Place. यहाँ पे Raffles Place को उसी दिन सैटरडे को थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया और सिंगापुर टूरिस्ट पास का यूज़ फिर से करते हुए हम लोग गए लिटिल इंडिया स्पेशली खाना खाने के लिए. अभी हम लोग जा रहे हैं Raffles Place से केलांग एरिया में. इंडिया की तरह सिग्नल की रेस यहाँ पे भी होती है. ऐसा कुछ नज़ारा बनता है जस्ट आउटसाइड केलांग MRT स्टेशन. अब क्योंकि केलांग में होटल्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले केलांग एरिया को चेक करते हैं और अगर सही लगा देन वील मूव फ्रॉम Raffles Place सम टाइम टू सेव ऑन एकोमोडेशन कॉस्ट. इस सिग्नल से लेफ्ट मारते ही केलांग का कमर्शियल एरिया आ जाता है. हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आगे क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि सैटरडे को सिंगापुर में पब्स और बार्स फुल रहते हैं और संडे को यूजुअली गार्डन्स फुल रहते हैं. अब अब ओपन गार्डन एरिया से हम लोग मुड़ चुके हैं केलांग के कमर्शियल एरिया की तरफ. ऐसे वाइट स्पॉट्स वाले क्रॉसिंग पे वॉकिंग सिग्नल को फॉलो करना कंपलसरी है. सिंगापुर के ट्रैफिक सेंस और ट्रैफिक रूल्स को मानना पड़ेगा. गाड़ियां तो गाड़ियां, पेडेस्ट्रियंस भी सिग्नल्स को फॉलो करते हैं और इस टाइप के रोड क्रॉसिंग को आप विदाउट सिग्नल क्रॉस कर सकते हो. अभी हम लोग पहुंच गए हैं केलांग के कमर्शियल एरिया में एग्जैक्टली. यहाँ पे हमें होटल 81 चेन के काफ़ी सारे होटल्स और कुछ और भी होटल्स काफ़ी सस्ते में भी मिले लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया ये एरिया. अब अनलिमिटेड वाले सिंगापुर टूरिस्ट पास का यूज़ करते हुए हम लोगों ने बस भी ट्राई कर ली. हम लोग जा रहे हैं अभी सिंगापुर फ्लायर की तरफ जो कि मरलायन पार्क से काफ़ी नज़दीक है. बाय द वे हमारे पास को इसी मशीन पे स्वाइप इन एंड स्वाइप आउट करने का होता है क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उतरना था सनटेक सिटी और एक स्टॉप हो गया मिस, सो चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा. सामने ये ड्यूरियन जैसी बिल्डिंग जानी पहचानी लग रही है. ऑन द वे टू सिंगापुर फ्लायर मरलायन पार्क का एक हिस्सा यहाँ पे भी पड़ता है तो सोचा कि ये बहुत बढ़िया नज़ारे का दर्शन ही कर लेते हैं. मरलायन पार्क एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि वो एक वाटर रिजर्वायर से काफ़ी प्राइम सिंगापुर के अट्रैक्शंस को ओवरलुक करता है. लुक एट द व्यू. बैकग्राउंड में जो बड़ा जायंट व्हील सा दिख रहा है वही है सिंगापुर फ्लायर और उसके जस्ट फ्रंट में है फ्लोटिंग स्टेडियम.
ये आइकॉनिक बिल्डिंग है मरीना बे सैंड्स, और इस बिल्डिंग के टॉप पे है ऑब्जर्वेशन डेक जहाँ पे जाने का हमारा पूरा प्लान है। इस बिल्डिंग के फ्रंट में एक मॉल भी है और यहाँ पे लुई विटों और एप्पल के आइलैंड स्टोर्स हैं, जिसका एक गोला दिख रहा था ब्लैक कलर का। पानी के बीचों बीच ये वही बोट फेरी है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। बोट क्लार्की से ये बोट फेरी सैर कराते कराते यहाँ तक आती है मरलायन पार्क तक। बैकग्राउंड में यू कैन सी मरलायन जो कि सिंगापुर की बहुत ही पुरानी पहचान है। ये पूरा मरलायन पार्क एरिया फ्री टू विजिट है, कोई एंट्री फीस नहीं है इसकी। एक बार तो हम कंफ्यूज हो गए कि मरीना बे सैंड्स जाएं या सिंगापुर फ्लायर, बट डिसाइड कर लिया कि विल गो टू सिंगापुर फ्लायर टुडे। हम अभी तक सोच में है कि कहीं सिंगापुर फ्लायर बंद तो नहीं है, क्योंकि उसकी भी मूवमेंट नहीं दिख रही है, या तो मे बी ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव होता है, लेट्स सी। हाफ किलोमीटर चलने के बाद हमें और एक ऑप्शन मिल गया कंफ्यूज करने के लिए, गार्डन्स बाय द बे, वो भी यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर ही दूर है। बाय द वे राइट में जो गार्डन दिख रहा है वो भी अच्छा खासा छोटा सा एक गार्डन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। तो समझ में आता है कि ये जो पूरा एरिया है उसमें सिंगापुर के आधे अट्रैक्शन तो इसी के आसपास है, बट फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिंगापुर फ्लायर ही आज विजिट करेंगे। वॉक के लिए सिग्नल ग्रीन होते ही करते रोड को क्रॉस। बाय द वे लेफ्ट में बिल्डिंग है वो है सनटेक सिटी, जहाँ पे ओरिजिनली हमें बस में से उतरना था। अब तक के हमारे सिंगापुर के एक्सपीरियंस से मैं इतना तो बता सकता हूँ कि सिंगापुर में अगर आप आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चलने की प्रिपरेशन से आना है। अब तक अराउंड शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग रफली 6-7 किलोमीटर तो चल ही चुके हैं। इतना नज़दीक से सिंगापुर फ्लायर काफ़ी मैस्मराइजिंग लगता है। फर्स्ट लुक में तो ये साइकिल का स्पोक्स वाला व्हील लगता है, लेकिन जो कैप्सूल्स हैं वो इन लोगों ने कैसे सेटअप किए हैं वो देखने वाली बात है। यूजुअली डिस्काउंट ऑफर के लिए या तो आप बुकलेट चेक कर सकते हो जो आती है सिंगापुर टूरिस्ट पास के साथ, और या तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो Klook.com का वेबसाइट या ऐप। सिंगापुर फ्लायर की जो टिकट है उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नियो ग्लोबल कार्ड का यूज़ करके ओवर द काउंटर ही टिकट्स परचेस करी थी। तो चलिए हम लोग सिंगापुर फ्लायर के बाहर थोड़े से फ़ोटो निकालते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चलेंगे सिंगापुर फ्लायर के अंदर। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।